ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको वैशाख मास संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हर माह में दो बार चतुर्थी का व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी के व्रत को विकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन महादेव के पुत्र भगवान गणेश की पूजा उपासना की जाती है, साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए व्रत उपवास रखा जाता है। विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार चतुर्थी तिथि पर गणपति बप्पा की पूजा करने से सभी तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आय और सौभाग्य बढ़ता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में मंगल का आगमन होता है और साथ ही सभी प्रकार के आर्थिक संकटों से निजात मिलती है। ऐसे में हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। अगर गणपति बप्पा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखकर विधि विधान से गणेश जी की पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। चतुर्थी के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि करने के बाद भगवान गणेश का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर स्नान करने के बाद में भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण जरूर करें। उसके बाद में घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। गणपति भगवान का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा घास भी अर्पित जरूर करें। उसके बाद गणेश जी को सिंदूर लगाएं। फिर उसके बाद में भगवान गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी को भोग लगाएं। उसके बाद में आप भगवान गणेश जी की व्रत कथा श्रवण जरूर करें। फिर बाद में आरती करें। आइए जानते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त के बारे में। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल को सुबह 8:20 पर होगी और इसके अगले दिन 28 अप्रैल को सुबह 8:20 पर इस तिथि का समापन होगा। विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत 27 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन चंद्र दर्शन का समय देर रात 10:30 पर होगा। चंद्रास्त 28 अप्रैल की सुबह 7:38 पर होगा। विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत पूजा के लिए शुभ समय सुबह 7:22 से सुबह 9:01 तक है। कहा जाता है कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन ओम चतुराय नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म भादव माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मध्याह्न में हुआ था, लेकिन वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना होती है और उनका व्रत रखने के साथ पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं को श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। पूजा में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भगवान गणेश को तुलसी दल ना चढ़ाएं। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा के बिना व्रत अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जोर दबाएं। जय श्री गणेश।